कल मेरे टीचर ने मेरे से पूछा कि बिजली कहाँ से आती है, तो मैंने भी कह दिया सर मामा के यहाँ से। टीचर ने पूछा वो कैसे, तो मैंने भी बोल दिया जब भी बिजली जाती है मेरे पापा बोलते हैं सालों ने बिजली काट दी। जिंदगी अपने अंदाज में जीना चाहिए, किसी और के इशारे पे निर्णय लेना सही नहीं। ऐसा मैं भी शादी के पहले ज्ञान बांटा करता था। अरे मेरे बारे में ज्यादा मत सोचना, ना मैं दिल में आता हूँ ना मैं समझ में आता हूँ, मैं कहीं भी नहीं आता, मेरे पास टाइम ही नहीं। हम अरेंज मैरिज वाले हैं जनाब, हमारे हिस्से में किसी और की बाबू आएगी। पहले जब दो लोग लड़ रहे होते थे तो तीसरा बंदा छुड़वाता था, और आज के टाइम में तीसरा बंदा वीडियो बनाता है। अरे भाई क्या हो गया? यार मैं रोज 10 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ, फिर भी वजन कम नहीं हो रहा। अच्छा हाँ, मुझे लग रहा पीछे बैठने से काम नहीं चलेगा, साइकिल मुझे खुद ही चलानी पड़ेगी। खुश रहने के बस दो ही तरीके हैं, एक तो खुद सिंगल रहो या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड को भी सिंगल ही रखो। भाई कभी मैसेज पढ़ने के बाद आंखों में आंसू आए? आंसू तो दूर की बात है पगले, पहले किसी लड़की का मैसेज तो आए। तो दोस्तों अगर आपकी भी सेटिंग नहीं हो पा रही है तो इतना ध्यान से मत देखो, मेरी खुद नहीं हो रही है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरे घर वाले मुझे कॉलेज भेजते हैं और कॉलेज वाले घर भेज देते हैं, मेरी हालत ऐसी हो गई है मुझे पूरा दिन खाली सड़कों पर बिताना पड़ता है। दुख इस बात का नहीं कि उसने शादी कर ली, दुख तो इस बात का है कि उसने खाना खाने भी नहीं बुलाया। रिश्तेदारों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना, मतलब फ्री में CCTV कैमरे लगवाने के बराबर। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हें भूल जाऊं तो अपनी चश्मे वाली सहेली का नंबर दे दो मुझे। क्या तुम लोग जानते हो इंसान का दिमाग 2.5 पेटाबाइट यानी 24.96 लाख जीबी का होता है, और उसको एक तो उतली सी लड़की बाबू बोल के खराब कर देती है।